संस्था प्रति श्रद्धा रहेगी, समाज प्रति श्रद्धा रहेगी, समाज के दुख को समझांगे तो ये तो भी वधिया दर्शक भी आ सकते। समाज के बहुत वे पैमाने के दर्शन का दौर चल रहा है, समाज के वे पैमाने चाहिए समाज सा बहुत पीछे जा रहा है। और वक्री गल है, यू कौन संभाल सकता है? सतगुरु दास महाराज की कृपा और सतगुरु दास महाराज का मिशन, सतगुरु महाराज की जो विचार सुना है जग के उसके चलेंगे तो मानवता का भला हो सकता है, समाज का भला हो सकता है। सतगुरु रविदास जी ने कल साधे समाज में चमारा उपदेश नहीं दिता, चमारा गले नहीं लाया, चारे वर्णा गल लाया है। इतिहास करता है गोरचा छत्रपति राजे महाराज उन्होंने सेवक होया है, वे रियासतियां जिन्हों के 5-5 लाख के हिसाब से फौजा से गुरु महाराज के चरणों से झुके है। पर समाज के खड़ोतन करके ये जरा साडे च विस्तरा है, उसका समाज भी उस ढंग ही सदना चलिया है। तो अभी बड़ी खुशी की गल है और अज मैं चाहागा, अज मन के शांति है, खुशी है। जिस जगह के उत्ते असी इतों देख लेंगे दे भी कोई उत्तर कीर्तन ही खड़ी कर रहे हैं, अज असी उसे आप संत महापुरुषों के नाम उस अरदास के शामिल हैं। पर वो कृपा कहना दी है, वह बदौत कहना दी है, ये होया कहना करके है। असी समझते हैं भी संत महापुरुष महादेव संत सतविंदर हीरा जी, महादेव संत सरवण राज जी और उन्होंने नाम संत दसम राय रावी पिंडी और संत पुरशोत्तम दास जी चरची माने इतिहासिक स्थान सतगुरु दास जी, उन्होंने कृपा के नाल उन्होंने विचारों के नाल अज सांझ शुरू हुई है। असि यह बेनती करते हैं गुरु के दरबार से बैठे हैं, यह सांझ इतने तक नहीं है भी इतने असि बैठे इतने तक रह जाए, यह साज को अगे वधाना है, वर्करा ने वधाना है, समाज के आप बैठे आप वधाना है। जे अगर आप ही गलत फहमियां संतों च पैदा करा तो समाज दूर हो जाएगा, संत दूर हो जाएंगे, सानू भी अगे चलना पड़ेगा, सेवादारा भी अगे चलना पड़ेगा, सेवादारा भी इस गल को अगे वधाना पड़ेगा। संत तो चाहते हैं कि समाज का भला हो, मानवता का भला हो, मानव मानव एक समान हो। सतगुरु जी महाराज जी जो विचारधारा है वो विचारधारा की है कि दुनिया से जो मानव है वो एक समान होना चाहिए, कोई बड़ा और छोटा नहीं होना चाहिए। वो विचारधारा तो ही आप लागू कर सकते हैं अगर संत महापुरुषों के नाल रल के उन्होंने आशीर्वाद लेके उन्होंने सिक्ख्या प्राप्त करके आप सारे देश की वंड के देशा मानवता वाल दे सकते। किसी भी धर्म का साडा विरोध नहीं है, सारे धर्म मानवता का उपदेश देते हैं, सारे धर्म मानवता की गल करते हैं, सारे धर्म कहते हैं नशा नहीं होना चाहिए, सारे धर्म कहते हैं कतलेआम नहीं होना चाहिए, पर फिर क्यों है साडे ते घाट है। असी इस प्रचार को मानवता के संदेश को घर घर पहुंचा है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की गल को मानते हुए हरेक घर के एजुकेशन के बच्चों को अफसर बनाना है। ता ही बना सकते हैं जे गुरु महाराज की विचारधारा के मुताबिक, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा के मुताबिक संत महापुरुषों के आशीर्वाद लेके असी अगे बढ़ सकते। तो मैं इस शुभ मौके के उत्ते संतों के चरणों में प्रणाम करता हुआ और इन्हों को आशीर्वाद लेते हुए संगत को भी बेनती करते हैं भी ये जरा इतने तक नहीं रह जाए, इनू अगे वधाना है, अगे वधा के आप सतगुरु महाराज की विचारधारा को अगे लेके जाना है। और अज के शुभ मौके से सारिया संगतों लख लख वधाई देने हैं और सारिया संगतों का धन्यवाद करते हैं और सारिया संगतों को बेनती करते हैं भी इसे तरह संतान सतगुरु महाराज की इतिहासिक धरती से आते रहन ताकि समाज की गल की प्रेरणा है वह सबू मिलती रहे, संतान के उपदेशों अगे बताते रहिए। और इन्ना ही कहना हो सारिया संतों का धन्यवाद, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।
संता प्रति श्रद्धा रहेगी, समाज प्रति श्रद्धा रहेगी, समाज के दुख न समझा तो ये तो भी वधिया दर्शक भी आ सकते। समाज के बहुत वे पैमाने के दर्शन का दौर चल रहा है, समाज के वे पैमाने के समाज सा बहुत पिछे जा रहा है। और वक्री गल है, इन कौन संभाल सकता है? सतगुरु दास महाराज की कृपा और सतगुरु दास महाराज का मिशन, सतगुरु महाराज की जो विचार सुना है जग गए उसके चलेंगे तो मानवता का भला हो सकता है, समाज का भला हो सकता है। सतगुरु रविदास जी ने कल साधे समाज में चमारा उपदेश नहीं दिता, चमारा गले नहीं लाया, चारे वर्णा गल लाया है। इतिहास करता है गोरचा छत्रपति राजे महाराज उन्होंने सेवक होया है, वे रियासतियां जिन्हों के 5-5 लाख के हिसाब से फौजा से गुरु महाराज के चरणों से झुके है। पर समाज के खड़ोतन करके ये जरा साडे च विस्तरा है, पूरा समाज भी उस ढंग ही सदना चलिया है। तो अब बड़ी खुशी की गल है और अज मैं चाहागा, अज मन के शांति है, खुशी है। जिस जगह के उत्ते असी इतों देख लेंगे दे भी कोई उत्तर कीर्तन ही खड़ी कर रहे हैं, अज असी उसे आप संत महापुरुषों के नाम उस अरदास के शामिल हैं। पर वो कृपा कहना भी है।